गाइस, कैसे हो आप सब। हम जा रहे हैं भैरव मंदिर और सुबह की पूजा हमने यहाँ पर कर ली है। मंदिर के लिए जाने के लिए तैयार खड़े हैं और विद फैमिली सब लोग जा रहे हैं, मम्मी मैं और बच्चे वगैरह सब। गाड़ी बुक कर लिए है, गाड़ी आने वाली है सिर्फ एक मिनट में। और रास्ते में हम कुछ बात करते हुए चलेंगे या वहाँ जाने के बाद आपसे मैं बात करूँगा, बताऊँगा कि कैसे कैसे हमने दर्शन किए और कुछ नया आज के दिन जो फन होगा वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। तैयार हो रहे हैं, पूछा होगा ना, मैंने बता दी थी कि मम्मी है, सब है। दोस्तों हम जा रहे हैं भैरव मंदिर, रास्ते में है और बहुत देर में गाड़ी रुक गई हमारी विद फैमिली सब। जो ड्राइवर भाई साहब गाड़ी लेकर जा रहे हैं और पीछे सब बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मौसम भी है, खेती बाड़ी है, सामने खेत है, हरियाली बहुत है घर के नज़दीक। बहुत अच्छा लग रहा है और हम सिर्फ 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां पे, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए सामने बारिश बहुत हुई है और पानी भरा है खेतों में, कुछ फसलें ख़राब भी हो गई है, नुकसान बहुत हुआ है इस बार बारिश होते ही। ये देखिए कई जगह तो ऐसे ऐसे शहर हैं जहां पे फसलें ख़राब हो गई हैं, गेहूँ ख़राब हो गए हैं। चुके हैं 30,000 कोर्ट के पास। ये है 30,000 कोर्ट, देखिए ये आ गया न्यायालय बोर्ड। लीजिए हम आ गए हैं भैरव मंदिर, ये है बाबा भैरवनाथ जी का मेन गेट जिससे हम अंदर जा रहे हैं। सीढ़ियों को चुचकार के जाते हैं हम लोग, ये जय भैरव बाबा जी। और अंदर प्रवेश करते ही ये यहाँ पे सामान मिलता है, प्रसाद वगैरह। आज बंद है, पता नहीं कहाँ गए, आज छुट्टी कर रखी होगी या तो आज। ये अंदर हम धीरे धीरे सफाई चल रही है, देखिए आप।
A few moments later. दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है और अगली वीडियो में आपको ज़रूर पेश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।